बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आलम क्लासेस में आज हमारा थर्ड लेक्चर है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर में आपने स्विच स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस की थी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लूप्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लूप्स होते क्या हैं और हम इन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लूप कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसका पहला और आखिरी सिरा मिला हो। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, एक तार जिसका पहला और आखिरी सिरा मिला हो तो वो एक गोल सा स्ट्रक्चर बनाती है, तो हम कहते हैं ये एक लूप है। तो लूप बेसिकली इसी चीज़ का नाम है जिसका फ्रंट और एंड जो है वो आपस में कनेक्टेड हो। तो लूप को हम प्रोग्रामिंग के अंदर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी भी कोड को बार बार रिपीट करवाना हो। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ भी है कि अगर आप कोई मैसेज 100 दफ़ा प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो अब क्या आप बार बार सी आउट या जो भी आपकी प्रिंट स्टेटमेंट है उसको आप लिखेंगे? अब तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा। इसके बजाय अगर आप लूप लगाएंगे तो वो सारा काम जो होगा विद इन अ मिनट, बल्कि विद इन अ सेकेंड परफॉर्म हो जाएगा। तो अभी तक आपने ये समझा कि लूप हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी कोड को बार बार चलाने के लिए, बार बार रिपीट करने के लिए। तो लूप हमें यह आसानी देता है कि हमें टाइम जो होता है, जो बार बार स्टेटमेंट लिखने में जो टाइम हमारा लगना है, उसकी बचत हो जाती है। अब हमारे पास जो लूप्स हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के हैं। एक को बोला जाता है प्री टेस्ट लूप या एंट्री कंट्रोल लूप, और दूसरी टाइप को बोला जाता है पोस्ट टेस्ट लूप या एग्जिट कंट्रोल लूप। अब एंट्री कंट्रोल या प्री टेस्ट दोनों वर्ड एक ही बात है, मतलब कहीं भी अगर ये दोनों इस्तेमाल हो तो इनका मतलब एक ही रहेगा। तो प्री टेस्ट लूप ऐसे लूप होते हैं जिनमें पहले कंडीशन चेक की जाती है, बाद में बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको चलाया जाता है। अब बात यह आती है कि ये कंडीशन दरमियान में कहाँ से आ गई। हमने जस्ट कहा कि जब हमने किसी भी चीज़ को बार बार चलाना हो तो हम लूप को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब बार बार चलाना है ना, तो अब हमें कोई ना कोई ख़ास क्राइटेरिया चाहिए जिसकी बुनियाद पे हम बार बार चला रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है 100 टाइम मैसेज को शो करवाना है। अब यहाँ पे हमने कहा कि लूप कितनी दफ़ा चले, 100 टाइम्स, क्योंकि हमने कहा 100 दफ़ा मैसेज को रिपीट हो। तो इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए कि लूप कितनी दफ़ा चले, कंडीशन लगाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे लूप जिनमें कंडीशन पहले हो और वो स्टेटमेंट जिनको एग्जीक्यूट करवाना है बार बार, वो बार बाद में आ रही हो, तो ऐसे लूप को हम बोलते हैं प्री टेस्ट लूप या एंट्री कंट्रोल लूप। और ऐसे लूप जिनमें हम पहले वो स्टेटमेंट चला दें जिनको हमने बार बार रिपीट करना है और बाद में जाके कंडीशन चेक करें, ऐसे लूप को बोलते हैं हम पोस्ट टेस्ट लूप या एग्जिट कंट्रोल लूप। कोई भी लूप तब तक चलता रहता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फाल्स हुई, लूप साथ ही टर्मिनेट हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि हम किसी मैसेज को 100 टाइम दिखाना चाहते हैं, अब ये बेसिकली एक कंडीशन है। अब जब तक 100 तक हम नहीं पहुंचेंगे तो मतलब कंडीशन ट्रू है, अब तब तक वो चीज़ बार बार चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही हम 100 तक पहुंच जाएंगे या 100 को क्रॉस कर लेंगे, अब हमारी कंडीशन जो थी वो ख़त्म होगी। कंडीशन क्या थी कि 100 दफ़ा चले, अब 100 से तो ऊपर हो गया, अब कंडीशन ऊपर होती गई, मतलब कंडीशन जो है वो हमने जो दी हुई थी उसके मुताबिक फ़ाल्स होगी, वो 100 को क्रॉस कर गया, अब हमारा जो लूप है वो चलना बंद हो जाएगा। तो ये जो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास लूप्स की दो टाइप्स हैं, एक को हमने कहा प्री टेस्ट या एंट्री कंट्रोल, दूसरे को हमने कहा पोस्ट टेस्ट या एग्जिट कंट्रोल लूप। अब इन लूप्स के फिर इन लूप्स में जो मतलब आते हैं लूप्स बेसिकली, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो एंट्री कंट्रोल लूप जो है वो हमारे पास फॉर लूप और व्हाइल लूप है, और जो हमारे पास एग्जिट कंट्रोल लूप है वो डू व्हाइल लूप है। तो जनरली C++ के अंदर लूप्स के हमारे पास तीन टाइप्स हैं जिनको हम कहते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। अब फॉर और व्हाइल ये दोनों ऐसे लूप हैं जिनमें कंडीशन पहले आती है और वो स्टेटमेंट जो हमने बार बार रिपीट करनी है वो बाद में आती है, जिन्हें हम बॉडी कह सकते हैं। तो कंडीशन पहले, बॉडी बाद में। और डू व्हाइल लूप ऐसा लूप है जिसे एग्जिट कंट्रोल या हम पोस्ट टेस्ट लूप कहते हैं, जिनमें पहले बॉडी और बाद में कंडीशन आती है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि दोनों कैटेगरीज में जो लूप्स लाए करते हैं, उन लूप्स के अंदर उनके एक बुनियादी सेंटिक्स मौजूद है
जिसमें आप फॉर लूप देखें तो पहले फॉर का कीवर्ड लगाते हैं, फिर इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर अपडेशन। ये इनिशियलाइजेशन क्या होती है, कंडीशन और अपडेशन, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के एग्जांपल में सीखेंगे, लेकिन अभी तक आप जस्ट इसका एक बुनियादी तारुफ याद रखें कि फॉर लूप होता किस तरह का है। पहले कीवर्ड और आगे ब्रैकेट में ये चीज़ें, और ये जो आपस में सेपरेट की गई होती हैं इनके दरमियान सेमी कॉलन लगाया गया होता है, और फिर ये आ जाती है लूप की बॉडी। अब इस लूप की बॉडी के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे, चाहे वो एक स्टेटमेंट है चाहे वो हज़ार स्टेटमेंट है, वो इस कंडीशन के मुताबिक बार बार रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, ये आपके पास दूसरा लूप आ गया व्हाइल लूप। इधर था फॉर के साथ ही इनिशियलाइजेशन और अपडेशन दोनों चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन व्हाइल लूप में व्हाइल कीवर्ड और आगे जस्ट हम लिखते हैं कंडीशन, यहाँ पे अपडेशन या इनिशियलाइजेशन नहीं लिख सकते। तो वो कहाँ लिखते हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। इसी तरह ये आपके पास जो थर्ड लूप की टाइप है, जिसे हम डू व्हाइल लूप कहते हैं, तो पहले कीवर्ड आता है डू और फिर लूप की बॉडी और आखिर में आ जाता है व्हाइल और देन कंडीशन। यहाँ आखिर में कंडीशन के बाद, जहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, इसके बाद सेमी कॉलन भी लगाया जाता है। ठीक है, अब यही जो लूप्स हमने यहाँ पे एक ओवरव्यू में डिस्कस किए कि लूप्स कितनी तरह के हैं और उनका सेंटेंस क्या क्या होता है, अब इन्हीं को अगली स्लाइड में हम चल के एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल ली है, जिसे मैंने तीनों लूप के से करके आपके सामने रखा है, ताकि आप एक ही बार में अंडरस्टैंड कर सकें कि ये तीनों लूप्स में फ़र्क क्या है और वो कैसे काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैं इस, ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है कि आपने हेलो वर्ल्ड, ये एक सेंटेंस है हेलो वर्ल्ड, इसको 5 दफ़ा प्रिंट करवाना है। अब एक तरीका तो ये है कि आप जैसे पहले प्रोग्राम बनाते होते हैं, आप सी आउट की स्टेटमेंट 5 दफ़ा लिखते हैं। अभी भी ये बात आपको आसान लगेगी कि चार 5 दफ़ा ही लिखना था ना, तो ये इतना टाइम कंज्यूमिंग तो ना होगा। लेकिन हम जब सीख रहे होते हैं कोई भी चीज़, हम छोटी चीज़ से लेके चलते हैं ताकि हम एक बुनियाद बना सकें, एक बेस बना सकें। अब 5 दफ़ा लिखना तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन यही चीज़ अगर 100 दफ़ा बोली जाए, अब सी आउट 100 दफ़ा लिखना आपको बहुत मुश्किल लगेगा कि ये तो बड़ा लंबा काम हो गया। तो हम किसी के काम की आसानी सीख रहे हैं, तो अगर हमने 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो सी आउट हमें क्या करना पड़ेगा, 5 दफ़ा सी आउट करना पड़ेगा। तो इस मसले से बचने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे लूप। अब लूप की जो कंडीशन होती है, और पीछे आपने ग्लव्स पढ़ा था अपडेशन, अपडेशन को हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कह सकते हैं, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि लूप कितनी दफ़ा चले। अब फर्स्ट करें, मैंने लूप को चलाना है 5 दफ़ा, ठीक है, तो काउंटिंग करनी है। काउंटिंग क्या होगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, मतलब ये हम एक काउंट किया हमने किसी चीज़ को 5 दफ़ा। ये शुरू कहाँ से हुई, 1 से, ख़त्म कहाँ पे हुआ 5 पे, और हर दफ़ा इजाफा कितना कितना हुआ, +1 का, एक के एक का इजाफा करते जाएं तो हम काउंट कर लेंगे। इसी तरह अगर मैं लिखूं 6, 7, 8, 9, 10, अब भी ये कितनी दफ़ा है, अब भी ये 5 दफ़ा है कि 6 से लेके 10 तक गिनती करें तो ये भी आपके पास तादाद जो है ये भी 5 बन रही है, और हर दफ़ा एक एक का इजाफा है। तो जब हमने लूप ये डिसाइड कर लिया, मैंने जैसा कि आपको कहा कि हमने हेलो वर्ल्ड 5 दफ़ा प्रिंट करवाना है, तो हमने ये डिसाइड करना है कि लूप कहाँ से कहाँ तक चले। लूप का जस्ट यहाँ पे काम होगा गिनती करना, कि 5 दफ़ा चलाना है तो गिनती करना है। तो गिनती करने के लिए आप यूँ सिंपल 1, 2, 3, 4, 5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गिनती करने के लिए आप 6 to 10 भी लिख सकते हैं, आप 6 to 10 भी तो 5 ही है ना, तो ये भी गिनती के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो हमने सिंपल लिया जो आप काउंटिंग के लिए हम अपने रियल लाइफ में कहते होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, कि हमने 5 दफ़ा लूप चलाना है तो हम काउंट करेंगे कि लूप हमारा 1 से लेके 5 तक हमारा लूप चले। ये कुछ मिस्टेक हो गई है, मैं दोबारा आपके सामने लिखती हूँ। हम चाहते हैं लूप हमारा 1 से लेके 5 तक चले, ठीक है। अब लूप शुरू कब हो,
जब पहली वैल्यू हो 1। लूप ख़त्म कब हो? जब आखिरी वैल्यू हो 5। और हर दफ़ा जब लूप चले तो हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो दिस इज़ अ इनिशियल वैल्यू। लूप कब तक चलना चाहिए? जब तक 5 ना आ जाए। तो मतलब 5 से छोटा रहे या 5 से बराबर रहे तब तक ठीक है, बड़ा होगा तो वो गलत। इस चीज़ को बोलेंगे कंडीशन। और 1 से लेके 5 तक जा रहे हैं तो हर दफ़ा इजाफा कितना कितना हो रहा है? 1 का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपडेशन, या हम जिसे बोलेंगे इंक्रीमेंट। तो इसके लिए अभी हम लूप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अभी जो मैंने आपके सामने बातें की, ये डिस्कस किया कि 5 दफ़ा चलना है, इसको जहन में रखिएगा तो आपको बात सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं व्हाइल लूप को। ये ऊपर वाला फॉर्मेट आप सबको पता है, आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं मेन फंक्शन से आपको रीड आउट करवा रही हूँ। पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने रखा आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये टाइपिंग में आई कैपिटल आ गया है इंट का, लेकिन आई आपने स्मॉल ही रखना है। अच्छा, इंट आई इज इक्वल टू 1। अब ये बेसिकली इनिशियल वैल्यू है कि लूप शुरू कहाँ से हो? 1 से। और ये जो आपके पास वेरिएबल है आई, इसे हम कहते हैं काउंटर वेरिएबल या लूप वेरिएबल, जिस पे हमारा लूप डिपेंड कर रहा होता है, जो बता रहा होता है कि लूप अब इतने टाइम्स चल चुका है। तो लूप वेरिएबल जो है या काउंटर वेरिएबल जो है, इसमें मैंने पहली वैल्यू दे दी 1। आपको बताया ना कि 1 से 5 तक हम काउंट करेंगे, तो शुरू कहाँ से होगा? 1। तो ये इनिशियल वैल्यू मैंने दे दी 1, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी इनिशियल वैल्यू दे दी 1। आगे मैंने व्हाइल लूप लगाया, तो व्हाइल का कीवर्ड और यहाँ लिखते हैं कंडीशन। अब कंडीशन क्या है? कि जब तक 5 ना आए तब तक चलता रहे, ठीक है। तो मैंने लिखा आई लेस देन इक्वल टू 5। अब इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू जब तक 5 से छोटी या बराबर रहे तब तक ये कंडीशन ठीक है, ठीक है। जब तक कंडीशन ठीक है तब तक लूप की जो बॉडी है, इसमें जो भी चीज़ है वो चलती रहेगी, ठीक है। ये लूप की बॉडी है जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। अब लूप की बॉडी के अंदर एक आउटपुट स्टेटमेंट है। अब ये बैक स्लैश एन जो है, ये नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इसका आपको बताती हूँ आगे चल के। हेलो वर्ल्ड, फिर आगे मैंने लिखा बैक स्लैश एन और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब ये बेसिकली अपडेशन है, इंक्रीमेंट। यहाँ पे आप डिक्रीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। अभी हमने जस्ट इस्तेमाल किया इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफा करना, डिक्रीमेंट का मतलब होता है कमी करना। अब आई की वैल्यू में एक एक का इजाफा, अब हर दफ़ा लूप चलेगा आई की वैल्यू में एक एक इजाफा होता जाएगा, मतलब काउंटिंग होती जा रही है, बढ़ता जा रहा है। जैसे आप तस्वीर उठाते हैं ना, तो आप जैसे जैसे गिनते जाते हैं, एक एक बटन दबाते जाते हैं, मतलब वो एक एक हिंसा आगे होता जाता है। तो यहाँ पे भी यही बात चल रहा है, एक दफ़ा चल चुका अब ये 2 हो जाएगा, 2 दफ़ा चल चुका अब ये 3 हो जाएगा, फिर 4, मतलब ये गिनती कर रहा है बेसिकली कि 5 दफ़ा हमारा लूप पूरा चल जाए। अब इसी चीज़ को मैं आपको खुद से ड्राई रन करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह चलेगा। अब पहले दफ़ा आई की वैल्यू क्या होगी? 1। अब कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है लूप की बॉडी चलेगी। लूप की बॉडी चली, क्या लिखा हुआ है? सी आउट हेलो वर्ल्ड, आउटपुट में लिखा हुआ आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब इस बैक स्लैश एन का मतलब ये होगा कि अगली जो चीज़ है वो अगली लाइन पे प्रिंट हो। फिर है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई में एक का इजाफा। अब आई की वैल्यू क्या बन गई? 2। आई की वैल्यू बन गई 2। लूप के एंडिंग से हम फिर ऊपर जाएंगे और लूप की स्टार्टिंग की तरफ। ये तब मैंने आपको बताया था लूप का मतलब क्या है, एंडिंग से स्टार्टिंग। तो अब देखें, एंडिंग से हम फिर स्टार्टिंग की तरफ आ गए। अब आई की वैल्यू 1 के बजाय क्या हो चुकी है? आई की वैल्यू हो चुकी है 2। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर से कंडीशन ट्रू, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब ये सेकंड वाला हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर आई में एक का इजाफा, आई क्या हो जाएगा? 3। फिर हम लूप के एंडिंग से लूप की स्टार्टिंग में जाएंगे और अब ये वैल्यू 2 नहीं रही, अब ये वैल्यू हो गई 3। कंडीशन हो गई ट्रू, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू ही, फिर लूप की बॉडी चलेगी और अब फिर प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई में एक का इजाफा, आई हो गया 4। फिर हम आखिर से फिर हम स्टार्टिंग पे जाएंगे और आई की वैल्यू अब 3 नहीं रही, अब हो गई 4। अब चेक होगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू,
आउटपुट स्टेटमेंट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अब आई में एक का इजाफा हो गया, आई बन गया 5। फिर हम लूप की एंडिंग से लूप की स्टार्टिंग की तरफ और ये बन गया 5। अब 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 इज नॉट लेस बट इक्वल टू 5। कंडीशन अभी भी ट्रू रही, कंडीशन ट्रू रही तो दोबारा से प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। अब फिर आई में एक का इजाफा, आई बन गया 6। अब ऊपर गए, अब आई की वैल्यू हो गई 6। 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो 6 तो ग्रेटर है। अब कंडीशन होगी फाल्स। जैसे ही लूप की कंडीशन फाल्स होगी, कंट्रोल लूप की बॉडी से फौरन बाहर आ जाएगा। बॉडी से बाहर आए तो लिखा हुआ रिटर्न 0, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया। आप देखें आउटपुट आपका कितनी दफ़ा यहाँ पे चला, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दफ़ा आपका आउटपुट चल चुका और हम यही चाहते थे। अब यही काम, सेम यही काम बाकी दो लूप से परफॉर्म हुआ है। अब यही काम बाकी दो लूप से परफॉर्म हुआ है, यहाँ डू वाइल से, यहाँ फॉर से। अब ये इनिशियल वैल्यू, ये कंडीशन, ये इंक्रीमेंट, अब ये तीनों चीज़ें जब हम फॉर में आएंगे तो एक ही जुमले में लग जाएंगी। ये देखिए, ठीक है, बस दरमियान में सेमी कॉलन लगा देंगे। और जब डू वाइल में आएंगे तो डू वाइल आपको पता है पोस्ट टेस्ट लूप है, जिसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। ये ऐसा लूप होता है जो एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी चलता है। इधर तो ये होता है ना कि पहली दफ़ा ही अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो पहली दफ़ा ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इधर ये है कि शुरू में कंडीशन है ही नहीं, तो इसने एक दफ़ा बॉडी ने लाजमी चलना है, फिर जाके कंडीशन को चेक करना है। ठीक है, तो ये वही इनिशियल वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी थी, इनिशियल वैल्यू। फिर यहाँ पे अब वाइल और कंडीशन नहीं आती, पहले आता है कीवर्ड डू का, फिर वो सारी बॉडी जो हमने वाइल में लिखी थी, और यहाँ पे आखिर में लग जाएगा वाइल और आगे आ जाएगी कंडीशन। तो यही काम जो हमने, मैंने आपको इसमें ड्राई रन करके दिखाया है, अब यही सारा काम इन दोनों में भी होना है। बस फ़र्क ये है कि इसमें अलग अलग जहाँ इनिशियल और कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगता है, इसमें वो एक ही लाइन में लग जाता है। और इसमें ये फ़र्क है कि कंडीशन पहले आने के बजाय कंडीशन बाद में आ जाती है, पहले कीवर्ड आता है डू का। बाकी उसी तरह शुरू में इनिशियल वैल्यू, बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और आखिर में आपके पास कंडीशन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको लूप का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ ना आया हुआ तो मेरे साथ इनबॉक्स में कंटेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपको कन्फ्यूजन हुई। अच्छा, अब आपका टास्क ये है इस वाले लेक्चर के अंदर कि आपने ये करना है कि अपने नेम को 10 टाइम्स प्रिंट करना है फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप के जरिए। ठीक है, अब आपने लूप को 10 दफ़ा चलाना है। अब लूप शुरू होगा 1 से और एंड होगा 10 से, या आप कोई भी और तरतीब रख सकते हैं, लेकिन तादाद में 10 होनी चाहिए क्योंकि हमने 10 दफ़ा लूप को चलाना है। तो अब आपने अपना नाम प्रिंट करवाना है 10 दफ़ा फॉर वाइल या डू वाइल लूप को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।